हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल से अधिक पुराना है। सदियों से इस महान भूमि पर कई आक्रमण हुए, लेकिन हर बार ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए और विशाल साम्राज्य भी बने जिन्होंने इस देश की हर कदम पर रक्षा की। इनमें से हम जानेंगे इतिहास आज मराठा साम्राज्य का। साल 1630 के करीब जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान विदेशी ताकतों से घिरा हुआ था और मुगल शाही, निजाम शाही, आदिल शाही, बारिश शाही और कुतुब शाही का हुकुम चलता था। इनके राज्य में गुलामी, लूट और जबरदस्ती किए गए धर्म परिवर्तन का माहौल फैला हुआ था। इनमें से कुछ राज्य विदेशी इस्लामी ताकत से जुड़े थे और कुछ राज्य वो लोग चलाते थे जिनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया गया। साल 1630 में पैदा हुए एक महानायक जिन्होंने आगे जाके हमें विदेशी ताकतों से स्वतंत्र करवाया और हिंदवी स्वराज की शुरुआत की, यह महान महानायक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदवी स्वराज्य एक सोच है और एक दूरदृष्टि है। हिंदवी स्वराज्य उस मिट्टी, उस जमीन से जुड़ा है जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं, जिसने 5000 साल से हमारा ज्वलंत इतिहास अनुभव किया है। ये वो मिट्टी है जिसमें हमारा धर्म हिंदू हो या ना हो, पर हमारा कर्म हिंदू है, जो 5000 साल से हमारी आदत बन गई है। इस जमीन पर जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, ना ही कोई शक्ति सिर्फ एक ही मजहब के राह पर चलने की। जहाँ गुलामी नहीं, जहाँ औरतों की इज्जत हो, भले ही वो किसी दुश्मन के दल से ही क्यों ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरुआत की दक्कनी इलाकों से, लेकिन उनका सपना था एक ऐसा हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का जिसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में हो, सिंधु नदी से लेकर महासागरों तक। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 52 साल की उम्र तक ही जिए, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन काल में एक महान साम्राज्य की स्थापना की जो आगे चल के एक विशाल राज्य संघ बना, जो 200 साल तक हिंदुस्तान की शान बना रहा। अपनी पूरी जिंदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुल 230 किले जीते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी शुरुआत बहुत ही कम साधनों से की, जिसके कारण उनकी सेना गनीमी कावा या गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए मशहूर हुई। गनीमी कावा में कुशलता पाने के जरिए वह कम से कम लोगों की सेना और मर्यादित साधन होने के बावजूद बड़े से बड़े दुश्मनों को भी शह दे देते। आइए सुनते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ चुनिंदे किलों के नाम। मराठा साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। पुणे में बसा है कोंढाणा, जिसे अब सिंहगढ़ कहते हैं। यह किला पुरंदर, तोरणा और राजगढ़ के बिल्कुल बीच में है। तोरणा पहला किला था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता था। उस किले को प्रचंडगढ़ भी कहा जाता था। पुरंदर का किला मुगलों ने मराठाओं से लिया जरूर, लेकिन 5 सालों में मराठाओं ने यह किले पर फिर से अपना नियंत्रण जमा लिया। लोहागढ़ का किला, जो लोनावड़ा के नजदीक है, उम्बरखिंड के लड़ाई के लिए जाना जाता है।
यहाँ हम जानेंगे कुछ शूर वीरों के बारे में जो शिवकालीन समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना के लिए लड़े। पुरंदर की लड़ाई में शहीद होने वाले बाजी पासलकर, जो स्वराज्य के लिए पहले शहीद थे। पन्हाड़गढ़ की लड़ाई में शहीद होने वाले बाजी प्रभु देशपांडे और शिवा काशीत। सिंहगढ़ के युद्ध में शहीद तानाजी मालुसरे। पुरंदर के युद्ध में शहीद मुरारबाजी देशपांडे। नसरी के युद्ध में प्रतापराव गुजर, कोंडाजी फर्जन, जिन्होंने पन्हाड़गढ़ के किले पर फिर से नियंत्रण जमाने के लिए अपने जान की बाजी लगाई। और सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते, जिन्होंने वाई के युद्ध में अपने आप को त्याग दिया। इन वीर योद्धाओं के बलिदान से और कई गुमनाम हुतात्माओं से मराठा साम्राज्य की नींव मजबूत बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई माँ साहेब, पिता शाहजी राजे और शिक्षक दादोजी कोंडदेव से काफ़ी प्रभावित रहे। साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यावहारिक गुरु श्री नारायण सुराजी थोसर थे, जिन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है, और उनके धार्मिक गुरु श्री तुकाराम बोल्होबा आंबिले थे, जिन्हें तुकाराम महाराज भी कहा जाता है। सन 1680 के दशक में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी अगले छत्रपति बने। ये स्थान उन्हें आसानी से नहीं मिला। उनकी सौतेली माँ सौंदराबाई चाहती थी कि उनके बेटे राजाराम ही अगले छत्रपति बने, लेकिन अपने साहस, हौसले और लोकप्रियता के कारण आखिर छत्रपति संभाजी महाराज ही सिंहासन पर बैठे। छत्रपति संभाजी महाराज को अपने कुछ घरेलू रिश्तेदारों से भी इस कारण आगे चल के कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। दूसरी तरफ छत्रपति बनने का कोई मोह ना रखने वाले राजाराम ने हमेशा अपने बड़े भाई संभाजी का ही साथ दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का राज भी मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक सुनहरा पल था। अकाल आने पर छत्रपति संभाजी महाराज ने गहरे कदम उठाए किसानों और खेतों के विकास के लिए। उस दौरान उनके किया गया योगदान आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों, सिद्धियों, पोर्टुगीज और अंग्रेजों का शौर्य से मुकाबला किया और इनके खिलाफ यशस्वी मुहिम मनाई। बुरहानपुर, रामसेज और रायगढ़ के यहाँ हुए युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज एक विद्वान इंसान थे जो कई भाषाएं बोल पाते और उन्होंने अपने ज़िंदगी में कई किताबें भी लिखी, लेकिन अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह उनका शांत स्वभाव नहीं था और वो अपने तेज गुस्से के लिए जाने जाते थे। यही तेज़ गुस्सा उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार फितूरी देखी, क्योंकि कुछ लोग उनकी सौतेली माँ सौराबाई के बेटे राजाराम को असली वारिस मानते थे और इसी सिलसिले में ये लोग मुगलों तक का साथ देते। बैटल ऑफ वाई, जिसमें सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते शहीद हो जाते हैं, उसी लड़ाई के दौरान शिर्के, जिन्हें छत्रपति संभाजी महाराज का राज्य करना पहले से पसंद नहीं था, वो मुगलों से हाथ मिला लेते हैं। आखिर में इस फितूरी के कारण संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज और उनके 25 साथी औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि वो अगर इस्लाम कबूल कर लें तो वो उन्हें मालामाल कर देंगे और उनके हाथ में अधिक सत्ता दे देंगे। छत्रपति संभाजी महाराज इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं और औरंगजेब क्रोध में आकर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को 2 हफ्तों के लिए तड़पाकर उनकी हत्या करवाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी विधवा महारानी यसुबाई और बेटे शाहू को औरंगजेब कैद करवाते हैं
जहां वो अगले कुछ साल कैद में गुजारते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम अगले छत्रपति बने, लेकिन वह भयानक बीमारी का शिकार हुए। छत्रपति राजा राम की विधवा महारानी ताराबाई ने सत्ता अपने हाथ में ली और साथ में तलवार भी। महारानी ताराबाई ने खुद रणरागिनी बन के मराठा साम्राज्य की सेना को नियंत्रित किया और औरंगजेब की सेना से 10 साल तक मुकाबला किया। महारानी ताराबाई के शौर्य और कड़े शासन के कारण औरंगजेब मराठा साम्राज्य में अपना शासन बना ही नहीं पाया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू को कैद से रिहा किया, लेकिन महारानी येसुबाई की रिहाई नहीं की। इस रिहाई की वजह राजनीतिक थी, क्योंकि वो छत्रपति शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच अशांति का माहौल करवाना चाहता था। महारानी ताराबाई अपने बेटे दूसरे शिवाजी को छत्रपति के स्थान पर बिठाना चाहती थी और शाहू महाराज को छत्रपति संभाजी महाराज के वारिस मानने के लिए तैयार नहीं थे। इससे मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया, सातारा और कोल्हापुर। ये तो बटे हुए हिस्से कायम तो रहे, लेकिन इनके बीच तनाव काफी कम हुआ, क्योंकि दूसरे शिवाजी चेचक के रोग से 30 साल की उम्र में ही चल बसे और छत्रपति शाहू महाराज जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने दूसरे शिवाजी के बेटे राम राजा को गोद लिया। छत्रपति शाहू महाराज ने पेशवा स्थान की अहमियत बढ़ाकर पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य में एक CEO लेवल पर रखा और तब से एक नए पन्ने की शुरुआत हुई। औरंगजेब की मौत के बाद अगले मुगल बादशाह कमजोर थे और बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मुगल सल्तनत में ऐसे ताकतवर लोग अपनी तरफ करवाए जो मराठा साम्राज्य के साथ अपने संबंध बनाने के लिए तैयार थे, जैसे कि सैयद बंधु, जिन्होंने मुगल बादशाह फरुख सियर को कठपुतली बना के रखा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने महारानी येसुबाई को मुगल कैद से रिहा करवाया, जहां वो 30 सालों से बंद थी। बड़ी होशियारी से पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सैयद भाइयों की मदद लेके मुगल बादशाह फरुख सियर को हटाया और उसके बदले चमचे रफीउद्दरजत को तख्त पे बिठा दिया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय से मुगल सरकार मराठा साम्राज्य को 74 सरदेशमुखी की रकम देने लगी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक सुनहरे पन्ने की शुरुआत की। 20 साल की उम्र में ही प्रमुख पेशवा बने बाजीराव ने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को फैलाया और साथ साथ दक्षिण भारत में निजाम के कदम रोके। बाजीराव पेशवा ने अपनी पूरी जिंदगी में 41 युद्ध लड़े और उसमें से एक भी नहीं हारे। सिर्फ 20 साल के उम्र में पेशवा चुने जाने पर कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, परंतु बाजीराव ने अपने कार्य से सबको गलत साबित कर दिया। पेशवा बाजीराव ने अपने दल में नए सेनापति और राज्यकर्ते चुने। आगे जाके मराठा साम्राज्य एक विशाल मराठा महासंघ बना।
श्रीमंत बाजीराव पेशवा के चुने हुए दल से थे फतेह सिंह भोसले, पिलाजी जाधव, चिमाजी अप्पा पेशवा, रानोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, उदाजी और आनंदजी पवार, और इन सब ने मिलकर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। दिल्ली में एक हिंदू पदशाही की स्थापना करने के लिए पेशवा बाजीराव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसके साथ साथ पेशवा बाजीराव के सगे भाई चिमाजी अप्पा पेशवा ने लगातार 3 महीनों तक लड़ी जंग के बाद पोर्चुगीजों को हराकर वसई के किले पर मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराया। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक पहुंचाया और दिल्ली पर भी अपना नियंत्रण जमा लिया। इसके साथ साथ पालखेड़ के युद्ध में उन्होंने निजाम को भी धूल चटा दी। पेशवा बाजीराव का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने छत्रपति शिवाजी के हिंदू स्वराज के संकल्पना को पूर्ण भारत में फैलाया। पेशवा बाजीराव की मौत महज 40 साल की उम्र में ही हो गई थी, जब वो अपने कार्य में जुड़े हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी राव, जिन्हें लोग नाना साहब नाम से भी जानते हैं, वो अगले पेशवा बने। बाजीराव के दूसरे बेटे रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर ने भी आगे चल के बहुत बहादुरी दिखाई। नाना साहेब पेशवा ने मराठा साम्राज्य को बंगाल प्रांत तक पहुंचाकर मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयां दी। 1759 में मराठा साम्राज्य अपने सबसे विशाल रूप में संस्थापित हो गया। नाना साहेब पेशवा के भाई रघुनाथ राम और शमशेर बहादुर ये मराठा साम्राज्य के वो पहले लोग बने जिन्होंने सिंधु नदी पार करके अटक और लाहौर के किलों पर अपना स्थान जमा लिया। नाना साहेब के चचेरे भाई और चिमाजी अप्पा पेशवा के बेटे सदाशिव राव और नाना साहेब के युवा बेटे विश्वास राव ये मराठा साम्राज्य के पहले लोग हैं जो निजाम को हरा कर उदगीर का किला हासिल करके छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करते हैं। सदाशिव राव भाऊ साथ में अहमदनगर का किला भी निजाम से जीतते हैं, मगर इस बार चातुर्य से। अटक और लाहौर पर फतेह पाकर भी रघुनाथ राव मालामाल होने के बदले कर्जे में डूबकर आते हैं। सदाशिव राव भाऊ, जिन पर अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, कर्जे को मिटाने के लिए अन्य प्रांतों से अधिक जल्दी में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की कोशिश करते हैं। इसी बात से इन अन्य प्रांतों के राजा, महाराजा और नवाब नाखुश हो जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली के सिंहासन का लालच दिखाते हुए उनसे हिंदुस्तान पे फिर से हमला करने की तरकीब बनाते हैं, और यह तरकीब का साथ ये अन्य नाखुश राजा, महाराजा और नवाब देते हैं।
इसी सिलसिले में मराठा साम्राज्य के सेनापति दत्ताजी शिंदे, जो उत्तर भारत में चौथ और सरदेशमुखी का हिसाब रखते हैं, उन्हें नजीब खान के कहने पर धोखे से मारा जाता है। पेशवा नाना साहब अब्दाली और नजीब का मुकाबला करने के लिए सदाशिवराव भाऊ को अपनी सेना के साथ उत्तर भारत के लिए रवाना करते हैं और उनके साथ अपने बेटे विश्वासराव को भी भेजते हैं। रघुनाथ राव को उत्तर भारत में की मुहिमों का अधिक अनुभव होने के बावजूद भी मुहिम पर नहीं भेजा जाता, क्योंकि पेशवा नाना साहब समझते हैं कि रघुनाथ राव आर्थिक दृष्टि से महंगे साबित हो सकते हैं। उत्तर भारत की मुहिम में पेशवा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठाओं ने दिल्ली के लाल किले पर और कुंजपुरा के किले पर फतेह पाई और आखिर में उनका आमना सामना अहमद शाह अब्दाली की सेना के साथ पानीपत में हुआ। पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की सेना जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उतने में ही एक तोफ के गोले पर विश्वासराव पेशवा शहीद हुए। विश्वासराव को अपने प्राण खोते हुए देख कर सदाशिवराव भाऊ बिना कुछ सोचे समझे अब्दाली की सेना पर अकेले ही टूट पड़े और वो भी उस युद्ध में बच नहीं पाए। दोनों पेशवाओं को खोने के बाद मराठा सैनिकों में खलबली मच गई और पानीपत की जंग में अब्दाली की जीत पक्की हो गई। प्रथम श्रेणी के मराठा सरदार मल्हारराव होलकर, नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पानीपत के जंग से बाहर निकले, लेकिन आगे के भविष्य में ये तीनों ने मराठा साम्राज्य के लिए एक मजबूत पारी खेली। पानीपत की जंग में जीतने के बाद भी अब्दाली का गहरा आर्थिक नुकसान हुआ और वो कंदाहर खोने के डर से वापस कंदाहर की ओर रवाना हुए। जाते समय अब्दाली ने पेशवा नाना साहब के लिए एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजे। खत मिलने के बाद नाना साहब भी अब्दाली के लिए नजराना भेजते हैं, लेकिन वो अब्दाली तक पहुंचते नहीं क्योंकि अब्दाली तब तक कांदाहार के लिए रवाना भी हो चुके होते हैं। पानीपत के कुछ ही महीनों के बाद पेशवा नाना साहब की 40 साल की उम्र में तेज बीमारी से मौत हो जाती है। पानीपत के युद्ध के कारण कई परिचित और अपरिचित योद्धा शहीद हुए। इनमें से प्रमुख थे पेशवा सदाशिवराव भाऊ, पेशवा विश्वासराव, इब्राहिम खान गार्दी, शमशेर बहादुर, जानकोजी शिंदे, बळवंतराव मेहंदळे, यशवंतराव पवार, सरदार भोईते, विठ्ठल विंचुरकर, सिद्धोजी घारगे, दत्ताजी शिंदे, गोविंदपंत बुंदेले, अप्पा जाधव, अंताजी मानकेश्वर, तुकोजी शिंदे, सोनाजी भापकर, मानाजी पायगुडे, रामाजी दाभोळकर, भिलावडेकर पटवर्धन और भीवराव पानसे। सदाशिवराव भाऊ ने जंग सिर्फ मराठा साम्राज्य के लिए ही नहीं पर पूरे हिंदुस्तान के हित में लड़ी। अगर इन प्रसिद्ध और गुमनाम योद्धाओं ने शौर्य से अब्दाली का मुकाबला नहीं किया होता तो शायद ही दिल्ली आज हिंदुस्तान की राजधानी होती और शायद ही उत्तर भारतीय राज्य आज भारत में होते। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य में अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ था।
इस भयानक युद्ध ने मराठा साम्राज्य से दिल्ली और कई उत्तर भारतीय प्रांत छीने और उसके साथ साथ तीन प्रमुख शासक नाना साहेब, सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव भी इनसे वंचित किए। ऐसे माहौल में नाना साहेब पेशवा के बेटे और विश्वास राव के भाई माधव राव प्रमुख पेशवा के स्थान पर सिर्फ 16 साल की उम्र में विराजमान हुए। माधव राव पेशवा के मार्गदर्शक रघुनाथ राव पेशवा यह खुद को प्रमुख पेशवा का स्थान न मिलने पर माधव राव से जलकर उनका मजाक उड़ाते हैं, यह कहकर कि उन्हें केवल 16 साल की उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा खेल का मैदान मिला है। लेकिन आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि श्रीमंत माधवराव पेशवा, जो अपनी अकाली मृत्यु के कारण सिर्फ 10 साल राज कर पाते हैं, वह सबसे अव्वल पेशवाओं में अपना नाम बनाते हैं और अद्भुत योद्धा माने जाने वाले रघुनाथ राव अपने ही लालच के जाल में फंस जाते हैं। पानीपत की युद्ध में मराठा साम्राज्य को जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसे सही व्यवस्था में लाने के लिए पेशवा माधवराव का योगदान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पेशवा माधवराव एक बहादुर राज्यकर्ता तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थे। पेशवा माधवराव ने सिरा और मदगिरी की जंग में हैदर अली को और राक्षस भुवन की युद्ध में निजाम को पराजित करके उन्हें सीमित रखा। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत आने से 50 साल पहले ही पेशवा माधवराव ने अंग्रेजों की पहले व्यापारी बन के राज करने की छिपी साजिश समझ ली थी। ब्रिटिश कर्नल मॉस्टीन पेशवा माधवराव के दरबार में मेहमान बनकर आए और उन्होंने व्यापार बनाने के लिए पेशवा माधवराव से कुछ जमीन के लिए गुजारिश की। उनके मतलब को समझते हुए माधवराव ने कर्नल मॉस्टीन से कहा कि वह खुशी से उन्हें व्यापार करने के लिए जमीन दे देंगे, पर एक शर्त पर, कि अंग्रेज भी मराठों को व्यापार करने के लिए विलायत में जमीन दें। 1771 में पेशवा माधवराव के नेतृत्व में महदजी शिंदे ने दिल्ली पर फिर से फतेह पा ली, जो 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद मराठों के हाथ से निकल चुकी थी। दिल्ली पर फिर से फतेह पाने के बाद श्रीमंत माधवराव पेशवा, महाजी शिंदे, तुकोजी होलकर और पिसाजी कृष्णा बिनवाले के नेतृत्व में एक और मुहिम बनाई गई पानीपत का बदला लेने के लिए। उन तमाम राजाओं और नवाबों पर हल्ला बोल उठाया गया जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ हाथ मिलाया था। मराठाओं ने नाजिब खान की राजधानी नजीबाबाद पर हमला करके उसके बेटे जबीता खान को गिरफ्तार किया और उससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने पिता के गुनाहों की। उसी के साथ साथ दुआब के रोहिले पठानों से और भारतपुर के राजा नवाब सिंह को हराकर उनसे भी बड़ी रकम वसूली गई। श्रीमंत माधवराव पेशवा को 21 साल की उम्र में ही राज्य क्षमा हो गया, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं।
उस जमाने में यह रोग इतना भयानक था कि उसे रोग और अन्य बीमारियों का राजा कहा जाता था। श्रीमंत माधवराव पेशवा ने 6 साल तक इस रोग का मुकाबला किया। वह अपना कामकाज तो करते ही थे और साथ साथ रणभूमि पर भी जाते। उनके आखिरी दिन उनके चहेते थेऊर के गणेश मंदिर में उन्होंने गुजारे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रमाबाई सती हो गई, क्योंकि वह उनके बिना जी नहीं सकती थी। कोई भी दबाव न होने पर भी उन्होंने यह निर्णय लिया। माधवराव की माँ गोपिकाबाई अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए नहीं आई। निजाम का साथ देने के लिए अपने ही मामा को सजा देने वाले माधवराव पेशवा पर वह नाराज थी, और पेशवा माधवराव की मौत भी यह नाराजगी बदल न पाई। 27 साल की उम्र में श्रीमंत माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ग्रैंट डफ ने कहा कि मराठा साम्राज्य को माधवराव की मृत्यु के कारण वह नुकसान हुआ जैसा पानीपत के युद्ध में हुआ। जब पेशवा माधवराव की सत्ता थी, तब रघुनाथ राव ने सत्ता पाने के लालच में निजाम से हाथ मिलाया था, और आगे के समय में हम देखेंगे कि रघुनाथ राव अंग्रेजों से भी हाथ मिला लेते हैं। श्रीमंत माधवराव पेशवा के क्षय के रोग से हुई अकाली मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव अगले पेशवा बने। इससे रघुनाथ राव के प्रमुख पेशवा बनने की उम्मीद पर पानी फेर गया। रघुनाथ राव ने तरकीब बनाई नारायण राव को सुमेर सिंह गार्दी की मदद से गिरफ्तार करवाने की, लेकिन यह संदेश रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने गार्दियों तक धोखे से बदल कर भेजा, जिससे गार्दियों को ऐसा लगे कि नारायण राव को गिरफ्तार नहीं करना है पर उन्हें जिंदगी से उठाना है। इसी संदेश के द्वारा नारायण राव की हत्या की गई। नारायण राव की मौत के बाद रघुनाथ राव प्रमुख पेशवा तो बने, लेकिन उनका यह स्थान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे ने नारायण राव की हत्या के जुर्म में रघुनाथ राव को सजा सुनाई, और इस सजा को अमल में न लाने पर रामशास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बात के बहुत ही जल्द बाद नाना फडणवीस ने 1774 में घोषित किया कि मराठा साम्राज्य का नियंत्रण रघुनाथ राव नहीं पर बारभाई सभा वाले चलाएंगे, जिनके प्रमुख वो खुद होंगे। नाना फडणवीस फिर ये भी घोषित करते हैं कि मरहूम नारायण राव पेशवा के बेटे सवाई माधवराव बड़े होने पर पेशवा का स्थान धारण कर लेंगे, और तब तक वो सवाई माधवराव के प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। रघुनाथ राव जिनकी तरफ लोग गर्व से देखते थे, आज लोग उनकी तरफ सिर्फ क्रोध और नफरत से देखने लगे। जैसे पेशवा बड़े माधवराव कहते कि अटक और लाहौर जीतने वाले रघुनाथ राव ऐसे अद्भुत योद्धा थे कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होते तो उन्हें इन पर गर्व होता। लेकिन अपनों पर ही अविश्वास दिखाना, पेशवेपद की लालच रखना, शौकीन स्वभाव के कारण कोई जिम्मेदारी ठीक से न उठाना, इन बुराइयों की वजह से रघुनाथ राव के हाथों में पेशवेपद देना ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की, जिसमें उन्होंने वो शर्त रखी कि अगर अंग्रेज उन्हें प्रमुख पेशवा बनने में मदद करें तो वो वसई और सालसेट के किले अंग्रेजों के हवाले कर देंगे। इस करार के जरिए अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर हमला किया वॉरेन हेस्टिंग्स और कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में, लेकिन 1782 में उन्हें मराठाओं से हार लेनी पड़ी। ये युद्ध, जिसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं, ये मराठाओं के लिए क्लियर विक्ट्री थी, जिसके बाद पेशवा सवाई माधवराव का स्थान पक्का हो गया।
टीपू सुल्तान के सेनापति मुशरामुल खान ने शपथ ली कि वो नाना फडणवीस और महादजी शिंदे को गिरफ्तार करके टीपू सुल्तान के सामने पेश करेंगे और पेशवा सवाई माधवराव को बनारस ले जाकर उनसे हर दर पर भीख मंगवाएंगे। पेशवा सवाई माधवराव की सेना और मुशरामुल की सेना में बड़ी टक्कर हुई और इस युद्ध के बाद मुशरामुल खुद अपनी जान की भीख मांगते हुए पेशवा के दरबार में सवाई माधवराव, नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के सामने नजर आए। मराठा साम्राज्य ने फिर एक बार कुछ शौर्य के दिन देखे सवाई माधवराव पेशवा महादजी शिंदे और नाना फडणवीस के साथ, मगर ये दिन ज्यादा काल तक नहीं रह पाए क्योंकि पेशवा सवाई माधवराव 21 साल की ही उम्र में एक रहस्यमय मौत के शिकार हो गए। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे ये दोनों मराठा साम्राज्य के आधार स्तंभ रहे। जब तक ये दोनों जिंदा थे मराठा साम्राज्य किसी भी शत्रु के हाथ में नहीं आ पाया और न ही कोई शत्रु मराठा साम्राज्य पर फतेह हासिल कर पाया।